दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर रखा है यूपी पीएससी की तरह। इसमें चलिए जानते हैं भर्ती के रिगार्डिंग अपडेट है, इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्ती के रिगार्डिंग जो है एक शुद्धि पत्र यहाँ जारी किया गया है, और इसमें कहा गया है कि तदर्थ द्वारा सूचित किया जाता है नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अंतर्गत सहायक नियोजन एवं सहायक वास्तुविद नियोजन परीक्षा 2023 के पदों पर सीधी भर्ती 31 जनवरी 2023 को प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष ऑनलाइन अभ्यर्थी जो मतलब ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो है न्यूनतम जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है उसके अंतर्गत बताया गया कि समकक्ष अर्हता संबंधी लिंक पूर्व में उपलब्ध नहीं था। तो समकक्ष को लेकर जो है उपलब्ध नहीं था बताया गया है, और जिसको उक्त शुद्धि पत्र के माध्यम से समस्त अभ्यर्थियों हेतु यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन हेतु उपलब्ध कराए जाने का जो है निर्णय किया गया है। इसके लिए 10 मार्च 2023 से दिनांक 25 मार्च 2023 तक आयोग की ऑफिशियल साइट यहाँ से जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने हेतु कुल 15 दिन का समय प्रदान किया गया। तो 15 दिन का समय दिया गया है, तो 10 मार्च से लेकर 25 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समकक्ष अर्हता नहीं दिया गया था इस वजह से, ठीक है। बाकी उस लेवल की जो भी समकक्ष अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 15 दिन का समय यहाँ पर दिया गया हुआ है अभ्यर्थी को, और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन किए गए शैक्षिक और समकक्षता एवं अन्य दावों के सापेक्ष समस्त अभिलेख अभ्यर्थी जो यहाँ पर आयोग के कार्यालय में जो है उपलब्ध कराने जाने हेतु यहाँ पर बताया गया कि 26 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक, तो जितने भी आपके होंगे अभिलेख वो डॉक्यूमेंट जो भी आपको उपलब्ध कराए जाने हैं आयोग में फॉर्म फिल करने के बाद से, उसकी तिथि रखी गई है 26 से लेकर 10 अप्रैल तक का। इसमें 15 दिन का अतिरिक्त समय इसमें भी दिया गया है। तो अगर आप लोगों ने वो वाला फॉर्म नहीं भर रखा है समकक्ष अर्हता अगर नहीं थी उस टाइम पे, अब दिया गया है तो इनका लिंक को फिर से खोल दिया गया है, तो आप इन पदों पर फिर से आवेदन कर सकते हैं। थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया है इनकी द्वारा फिर से।